Greetings, fifth class environmental science students. Welcome back to our channel again, best digital learning. Hope you all are doing great. So, in the previous video, we discussed about the chapter super senses. So, in this chapter, we discussed about the super senses of the various animals, and uh, we discussed uh, about the different types of animals and their lifestyles also. कि हमने पिछले चैप्टर में सेंसेस के बारे में भी पढ़ा और उनकी लाइफ स्टाइल्स के बारे में भी पढ़ा कि उन एनिमल्स का वेकिंग टाइम क्या है स्लीपिंग टाइम क्या है हमने बहुत से एनिमल्स के बारे में पढ़ा और हमने बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स को हमने डिस्कस भी किया सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एन सी आर टी सॉल्यूशन ऑफ़ दिस चैप्टर सो लेट स्टार्ट सो द क्वेश्चन वन इज़ हाउ डिड द आट नो दैट उदर आंट्स व नॉट फ्रॉम इट्स ग्रो तो क्वेश्चन वन क्या है कि कैसे आंट्स को पता लगता है कि कोई भी जो आंट है वो उनके ग्रुप की है या नहीं है तो कैसे पता लगता है जस्ट लाइक अर्थ एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस हमारी तरह जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं जिससे हमार को पता लगता है कि ये हमारी फ्रेंड हमारे ग्रुप की है ये नहीं है तो जैसे हमार को हमारी सेंसेस के थ्रू पता लगता है वैसे ही जो एनिमल्स हैं एनिमल्स के पास भी डिफरेंट सेंसेस होती हैं दे कैन सी हियर स्मेल एंड फील वो देख सकते हैं सुन सकते हैं चीज़ों को स्मेल कर पाते हैं और वो फील कर पाते हैं ड्यू टू दिस एबिलिटीज द आंट केम टू नो दैट दर आंट्स फर नॉट फ्राम इट्स ग्रुप तो इन्हीं सारे सेंसेस से इन्हीं सारी एबिलिटी से जो आंट है वो पता कर पाती हैं कि जो दूसरी आंट्स हैं वो उनके ग्रुप की है या नहीं है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो आंट्स हैं आंट्स कैसे पता करती हैं जो दूसरी आंट्स हैं वो उनके ग्रुप की है या नहीं है तो जैसे ही हम ह्यूमन बींग्स के अंदर सेंसेस होती हैं वैसे ही एनिमल्स के अंदर भी सेंसेस होती हैं जो कि जिनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेस होती हैं जैसे वो देख पाते हैं सुन पाते हैं फील कर पाते हैं देख पाते हैं तो इन्हीं सारी एबिलिटीज़ के कारण इन्हीं सारे सेंसेस के कारण जो एंट हैं वो दूसरे एंट्स को पता कर लेती हैं कि ये उनके ग्रुप की हैं या नहीं हैं तो क्या कह रही हैं जस्ट लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस दे कैन सी ही स्मेल एंड फील ड्यू टू दिज एबिलिटीज द आंट केम टू नो दैट द अदर आंट्सर नाट फ्राम इट स्क्रो नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द गार्ड एंट रिकोगनाइज दिस आंट अब जो गार्ड आंट होती है वो कैसे एंट को रिकोगनाइज करती है सम एनिमल्स कैन फाइंड देअर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल जो कुछ एनिमल्स हैं वो अपने फ्रेंड्स को जो उनकी स्मेल होती है वो स्मेल के थ्रू फाइंड कर लेती हैं कि वो एनिमल उनका फ्रेंड है या नहीं है द गार्ड आंट रिकोगोगनाइज दिस आंट बाई इट्स स्मेल अब जो गार्ड आंट होती है वो कैसे रेकोगनाइज करती है वो भी एंट्स की स्मेल से ही रिकोगनाइज़ करती हैं कि ये उसकी एंट है ये नहीं है क्या कह रही हैं सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल द गार्ड आंट रिकोगोगनाइज दिस एंट बाय इट्स स्मेल तो जो कुछ एनिमल्स हैं वो अपने फ्रेंड्स को अपने ग्रुप के फ्रेंड्स को वो स्मेल से पता करते हैं ऐसे ही जो गार्ड आंट है वो अपनी एंट को उसकी स्मेल से पता करती है कि ये जो आंट है वो उसकी है उनके ग्रुप की है या नहीं है तो क्या कह रहे थे सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल सो द गार्ड एंट रिकोगनाइज दिस एंट बाय इट्स स्मेल तो वो स्मेल से ही पता कर लेती हैं अना थर्ड क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द आट्स टू कम अब आंट्स को आने में कितना टाइम लगता है इट ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स फॉर आंट्स टू कम तो पंद्रह से बीस मिनट लगते हैं आंट्स को आने में फोर्थ क्वेश्चन डिड वन एंड कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंड्स गेम टूगेदर कि क्या एक को जो सिर्फ एक आंट है वो पहले आती है या एंट्स का ग्रुप इकट्ठे आता है वन एंट केम फर्स्ट इनका क्या क्वेश्चन है इनका ये क्वेश्चन है कि जब भी कोई भी स्वीट जैसे कि हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि हमने चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि जब भी स्वीट गिरता है कोई भी मीठी चीज कहीं कहीं भी गिरती है तो एंट्स की सेंसेस के कारण जो एंड्स हैं उन्हें पता लग जाता है कि कहीं पे उनका फूड गिरा है कहीं भी स्वीट गिरा तो वो साइंसेस के थ्रू एंट आ जाती है तो इनका ये क्वेश्चन है कि सिर्फ़ एक एंट आती है उस स्वीट पे या ग्रुप आता है पूरे एंट का तो सबसे पहले सिंगल एंट आती है वन एंट के फर्स्ट एक अकेली एंट सबसे पहले आती है और वो कितना टाइम लगाती है फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स एंट को आने में लग जाते हैं क्वेश्चन फिफ्थ वॉट डिड द आंट्स डू विद द फूड आंट्स क्या करती हैं अपने फूड के साथ Ants कैर द फूड टू देअर होल जब उनको उनका फूड मिल जाता है जब वो स्वीट कोई गिरी होती है मीठी चीज तो एंट अपने सेंसेस के थ्रू उस स्वीट तक पहुंच जाती हैं फिर उसके बाद वो क्या करती हैं उनका जो भी होल है जिस भी होल में उन्होंने अपना घर बना रखा है जहाँ भी उन एंट का होल घर है तो वो फूड को कैरी करके उस होल तक ले जाती हैं एंट कैरीज़ द फूड टू तो देयर होल क्वेश्चन सिक्स वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर ये कहाँ से वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर वो कहाँ से जाती हैं और कहाँ आती हैं दे गो टू देयर होल फ्राम देअर वो कह रही हैं वो कहाँ पर जाती हैं जब वो फूड लेती हैं तो? तो वो अपने होल में जाती हैं जब वो अपना फूड ले लेती हैं क्वेश्चन सेवन डू दे मूव इन अ लाइन क्या वो एक लाइन में आती हैं जैसे हम देखते हैं कहीं भी स्वीटगिरी होती है तो जो एंट है फिर एंट का ग्रुप पाने लग जाता है फूड को कैरी करने के लिए तो जो एंट का ग्रुप होता है फिर वो एक लाइन में जाता है एक सीरियल ऑर्डर में वो जाता है उनका ग्रुप यस दे मूव इन अ लाइन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव आंट्स कैसे मूव करती हैं आंट्स क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल बट मूव इन अ लाइन ओनली जो ants हैं ants पेंसिल पे क्लाइंब करती है और वो एक लाइन में ही मूव करती है जैसे भी मतलब कुछ भी कहीं भी चीज़ गिरी हो तो वो ऐसी नहीं कि एक आंट कहीं मूव कर रही है एक आंट कहीं मूव कर रही है जो ants है वो एक लाइन में ही मूव करती है कि फर्स्ट ant, सेकंड और थर्ड ant वो एक सीरियल ऑर्डर में मूव कर रही होती हैं Question ninth. Now you can guess why the ants behaved like that when you blocked their path. अब क्या आप लोग guess कर सकते हैं कि जो ants हैं वो कैसा behave करती है जब हम उनका path block करते हैं जैसे भी हमने देखा है कहीं भी ant जा रही होती है तो हम उनका रास्ता block कर देते हैं तो वो कैसे behave करती हैं तो answer क्या है इसका As the ants move, they leave a smell on the ground. तो जैसे जैसे एंट मूव कर रही होती है वैसे वैसे जो एंट है वो ग्राउंड में अपनी स्मेल को लीव करती रहती है अपनी स्मेल को छोड़ती रहती है जहाँ जहाँ जिस जिस रास्ते से जो एंट है वो मूव की है द अदर एंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे तो ऐसे ही जो उसके ग्रुप की दूसरी एंट्स होती हैं उनकी जो फ्रेंड होती हैं वो उस स्मेल को फॉलो करती हैं और स्मेल को फॉलो करते वो उसी वे पे चल लेती है और वो रास्ता ढूंढ लेती है कि उनकी जो एंट्स हैं वो कौन से रास्ते पे जा रही हैं सो वेन देयर पाथ वॉज ब्लॉक्ड तो जब भी एंट का जो पाथ है वो ब्लॉक्ड होता है एंड्स ट्राई टू मेंटेन देयर ओरिजिनल पाथ बाय फॉलोइंग सेंट तो ऐसे ही जो एंट है वो अपने ओरिजिनल पाथ को ट्राई करती है कि वो उसी पाथ को मेंटेन करके रख सके उस बाय फॉलोइंग देर सेंट सेंट मींस जो स्मेल होती है जो एंट्स ने स्मेल को ग्राउंड में छोड़ रखा है तो उन्होंने जिस भी मतलब जहाँ जहाँ उन्होंने स्मेल छोड़ रखा है जिस जिस पाथ पे उन्होंने लीव कर रखी है तो वो उसे ही मेंटेन करने की कोशिश करती हैं तो इस क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछा है कि जब भी हम आंट का रास्ता ब्लॉक करते हैं तो वो कैसा बिहेव करती हैं तो जैसे जैसे जो आंट है वो मूव करती रहती है वैसे वैसे एंट अपनी स्मेल को लीव करती रहती है ग्राउंड पे तो ऐसे ही जो दूसरी एंट है वो उस स्मेल को फॉलो करते करते रास्ते को ढूंढती है और फिर उस पाथ को फॉलो करती है जहाँ जहाँ एंट्स की स्मेल होती है वहाँ वहाँ रास्ता वो फॉलो करती रहती है तो बट जैसे ही किसी भी एंट का रास्ता ब्लॉक हो गया तो वो ट्राई करती है कि वो जिस बात से चल रही थी वो उसी बात को मेंटेन करके रखे कि जिससे कि उसको मुश्किल ना हो तो उसी बात को वो मेंटेन करके रखती है जो स्मेल होती है तो ये था इस क्वेश्चन में बेसिकली एज द एंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड द अदर एंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे

मॉस्किटोज़ फाइंडर्स बाई द स्मेल ऑफ आवर बॉडी सोल्स ऑफ फीट एंड ऑल्सो बाई द हीट ऑफ आवर बॉडी अब जो मॉस्किटोज हमारे आस पास आते हैं जब हमें बाइट करते हैं तो उन्हें कैसे पता लगता है कैसे पता लगता है मॉस्कीटोज़ को मॉस्किटोज़ की बॉडी के स्मेल से पता लगता है हमारी बॉडी के स्मेल से पता लगता है मॉस्किटोज़ को जो हमारी फीड होती हैं उसकी जो स्मेल होती है उससे पता लगता है और जो भी हीट है हमारी बॉडी की जो भी प्रोड्यूस हो रही है उस हीट से मॉस्कीटोज़ को पता लगता है कि हमारी लोकेशन पे है तो बेसिकली इनका ये क्वेश्चन है कि हमको जब मॉस्कीटोज़ काटते हैं तो हमें बहुत इरिटेटिंग सा लगता है हमें बहुत ट्रबलनेस फ़ील होती है ना तो ऐसे ही वो पूछ रहे हैं कि उन मॉस्कीटोज़ को कैसे पता लगता है कि हम कहाँ पर हैं और फिर वो मॉस्कीटोज़ हमारे पास आ जाते हैं तो उन्हें कैसे पता लगता है उनको हमारी बॉडी के स्मेल से पता लगता है उनको हमारे फीट्स हैं उनकी स्मेल से पता लगता है और जो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उनको उससे पता लगता है कि बेसिकली हमारी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है सो मॉस्किटोज फाइंड आस बाई स्मेल ऑफ़ आर बॉडी सोल्स ऑफ फीट एंड ऑल्सो बाई द हीट ऑफ आर बॉडी now the next question is have you seen a dog sniffing here and there कि क्या कभी तुमने देखा है कि जो डॉग है वो इधर उधर स्निफिंग कर रहा होता है जब वो सांस लेता होता है ऐसे नोजी से जब वो करता है दैट इज़ नोना स्निफिंग तो कभी हमने देखा है वो इधर उधर ऐसे स्निफिंग कर रहा होता है वॉट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल तो हमें क्या लगता है कि वो क्या कर रहा है कि वो स्मेल कर वो सूंघने की कोशिश कर रहा है सो बेसिकली अब इसका आंसर क्या है Yes, I have seen dogs sniffing here and there. तो इनका first question ये था कि क्या कभी तुमने dogs को देखा है sniffing करते हुए? So yes, I have seen dogs sniffing here and there. A dog can make out if another dog had come into their area by the smell of its urine. तो हमें क्या लगता है कि वो smell करने की कोशिश कर रहा है? तो वो जो smell करते हैं तो वो जो डॉग हैं वो क्यों स्मेल करते हैं वो ऐसे स्निफिंग क्यों करते हैं क्यों करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उनके एरिया में जो उनका एरिया है डॉग्स का उनके एरिया में कोई दूसरा डॉग ना आ जाए तो इसलिए वो ऐसे स्निफिंग करते हैं वो उनके जो जो दूसरे डॉग्स होते हैं है ना उनको पता लग जाता है कि जो डॉग्स हैं वो उनके एरिया के हैं या नहीं है कैसे पता लगता है डॉग हैड कम इन टू देअर एरिया बाई द स्मेल ऑफ इट्स यूरन तो उनको यूरन की स्मेल पता होती है कि ये जो यूरिन की स्मेल है वो उनके ग्रुप की है या नहीं है अगर यूरन की स्मेल चेंज होती है तो उन्हें पता लग जाता है उनके जो एरिया में डॉग आया है वो उनके ग्रुप का नहीं है तो इसी करके वो स्नैफिंग करते हैं सो इन ऑर्डर टू चेक आउट वेदर एनी अदर डॉग हैड कम आउट और नॉट अ डॉग स्नेफ्स हेयर एंड देयर तो इसी को चेक करने के लिए वो चेक करते हैं कि जो डॉग है वो उनके एरिया में आया है या नहीं आया तो क्या कह रहे हैं बेसिकली इस क्वेश्चन में कि क्या कभी तुमने डॉग्स को स्निफिंग करते हुए देखा है इधर उधर सो येस आई हैव सीन डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर और वो क्यों करते हैं भला ऐसा क्योंकि ऐसा जो उनका एरिया होता है वो फिक्स होता है वो डॉग्स के यूरिन से फाइंड कर लेते हैं कि ये जो डॉग है वो उनके एरिया का है या नहीं है तो इसी करके वो चेक करते हैं कि वो जो डॉग है वो उन कहीं से आया है या नहीं आया इसलिए वो स्निफिंग करते हैं सो येस आई हैव सीन डॉग स्निफिंग हेयर एंड देर अ डॉग कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैड कम इन टू देयर एरिया बाई द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन सो इन ऑर्डर टू चेक आउट विद एनी अदर डॉग हैज़ कम आउट और नॉट अ डॉग स्निफ्स हेयर एंड डेयर तो चेक करने के लिए ही वो कि कोई भी डॉग आया है उनके एरिया में या नहीं आया है तो डॉग स्निफ्स करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग्स यूज दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स we यूज दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स टू कैच criminals रिकवर द stolen goods गुड्स सर्च आउट बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा तो इनका क्वेश्चन क्या है इनका क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं हम डॉग्स की जो सेंसेस होती हैं हम उनको किस वे में यूज़ करते हैं जैसे कि हम लोगों ने हम अपने घरों में डॉग्स को पाला होता है ठीक है वो हमारे पैट एनिमल होता है तो जो उनके सेंसेस होते हैं सूंघना वगैरह स्मेल करना फ़ील करना तो हम उनके सुपर सेंसेस को किस वे में यूज़ करते हैं तो इनका ये क्वेश्चन है कि जो वे स्मेल करते हैं डॉग्स है dogs, ना तो हम उसको किस वे में यूज़ करते हैं सो वी यूज़ स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स टू कैच द क्रिमिनल्स तो हम यूज़ करते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं जो चोर होते हैं चोर को पकड़ने में हम उन जो डॉग्स की स्मेल है वो यूज़ करते हैं रिकवर द स्टोलन गुड्स और कोई भी चीज़ अगर घूम जाती है तो डॉग स्मेल करके उन चीज़ों को ईजिली फाइंड कर सकता है सर्च आउट बॉम्ब एंड एक्सप्लूजिव और किसी भी एरिया में और ये जो पुलिस है पुलिस भी डॉग्स का यूज़ करते हैं अगर किसी भी एरिया में कोई भी एक्सप्लूजिव पड़ा है कोई भी बॉम्ब पड़ा है जो कि डेंजर है तो डॉग स्मेल करके पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे बॉम्ब है या नहीं है तो ये डॉग्स के अंदर स्पेशल पावर होती है कि वो स्मेल करके किसी भी चीज़ को वो ढूंढ सकते हैं वो क्रिमिनल्स को फाइंड कर सकते हैं वो कोई भी स्टॉलन चीज़ है स्टॉलन मींस घूमना तो कोई भी चीज़ घूमी हुई है तो वो अपने सुपर सेंसेस से वो स्मेल करके चीज़ों को ढूंढ लेते हैं सो वी यूज़ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स टू कैच क्रिमिनल्स रिकवर द स्टॉलन गुड्स search out bombs and explosive etc now next question when do you find your sense of smell helpful to you list some examples like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning अब ये कह रहे हैं When do you find your sense of smell helping to you? अब हमारे को कब पता लगता है कि जो हमारी sense of smell है जो हम सूंघ रहे हैं चीज़ों को कि वो हमारे लिए हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है? हमें कैसे पता लगता है तो कुछ एग्ज़ैम्पल्स देनी है हमने इसी की तरह कि जब भी हम चीज़ों को सूंघते हैं तो वो हमारे लिए हेल्पिंग कहाँ कहाँ पर है लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैड गॉन बैड और दैट समथिंग इज़ बर्निंग कि हमें स्मेल करके हमें पता लग जाता है कि जो फूड है या तो वो ख़राब हो चुका है या कोई चीज़ या तो बर्न कर रही है सड़ रही है तो कुछ एग्ज़म्पल्स देनी है हमने बिसाइड स्मेलिंग द बैड फूड एंड द स्मेल ऑफ़ बोनिंग और सेंस ऑफ स्मेल हेल्पर्स टू चूज़ गुड फूड तो जो हमारी सेंस ऑफ़ स्मेल है वो क्या हेल्प करती है कि कोई भी चीज़ अगर फूड बैड है या कोई भी चीज़ बोर्न कर रही है तो हम ये अपने खुद के सुपर सेंस की हेल्प से हम इसको फाइंड कर लेते हैं और हम अच्छा गुड फूड को चूज़ कर लेते हैं अगर कोई भी फूड बैड है तो हम अब हम अपने सुपर सेंसेस के थ्रू हम अच्छा फूड ख़रीदने की कोशिश करते हैं दैट हेल्प आज टू चूज़ गुड फूड परफ्यूम सोप इंसेंस स्टिक एक्सेट्रा एंड ऑल्सो टू फाइंड आउट इफ़ एनी क्लोथ इज टिंकिंग ड्यू टू स्वेट तो ये क्या कह रहे हैं बिसाइड स्मेलिंग द बैड फूड एंड द स्मेल ऑफ अ सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स आज टू चूज गुड फूड परफ्यूम सोप इंसेंस स्टिक एक्सेट्रा तो ऐसे ही कि हम जो बैड फूड है उसको स्मेल या बर्निंग ऑफ जो स्मेल आती है उसके अलावा भी जो हमारे सेंस ऑफ स्मेल है वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं कि जो फूड है हम उसको अच्छे फूड को ख़रीद सकें जो परफ्यूम है परफ्यूम जिस परफ्यूम की स्मेल अच्छी है हम वो परफ्यूम बाय कर लें या जिस सोप की खुशबू अच्छी है हम वो सोप बाय कर लें तो हम अपने सुपर सेंसेस के थ्रू हम सेंस जो है हमारी जिसके थ्रू हम स्मेल करते हैं तो हम उसकी हेल्प से हम अच्छा फूड बाय कर सकते हैं परफ्यूम बाय कर सकते हैं सोप बाय कर सकते हैं और हम ये भी पता पता लगा सकते हैं कि जो क्लोथ है वो गंदा है जो स्वेटिंग होती है पसीना कि अगर पसीना आ रहा होता है तो क्लोथ में हमें पता लग जाता है कि ये जो क्लोथ है वो अच्छा है या गंदा है किसकी मदद से हमारे सुपर सेंसेस की मदद से सो so बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा ये था कि क्या जो हमारी सेंस और, कि इन्होंने पूछा था कि जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल है वो हमें कब कब हेल्प करती है जैसे कि कोई भी फूड अगर ख़राब हो चुका है या फूड सड़ रहा होता है तो उसमें हमारी सेंस ऑफ स्मेल तो वर्क करती है हेल्प करती है बट ऐसे ही और कहाँ कहाँ चीज़ों में हमारी जो सेंस ऑफ़ स्मेल है वो हेल्प करती है तो वो हेल्प करती है कि हम अच्छा फ़ूड को चूज़ कर सकें हम परफ्यूम जिसकी खुशबू अच्छी है हम वो बाय कर सकें या सोप जिसका अच्छा है हम वो बाय कर सकें और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो क्लोथ है वो डर्टी है क्यों क्योंकि अगर स्वेटिंग की बदबू आ रही होगी तो हमें पता लग जाएगा ये जो क्लोथ है वो गंदा है तो हम सेंस ऑफ स्मेल से हमारी खुद की सुपर सेंसेस से हम इन चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एनिमल्स डैट यू वुड बी एबल टू रिकोगनाइज़ ओनली बाई देयर स्मेल विदाउट सींग दैम ऐसे एनिमल्स के नेम बताओ जिनको तुम उनकी स्मेल से रिकोगनाइज कर सकते हो विदाउट सीइंग देम उनको तुम देख नहीं पाते हो बट उनकी स्मेल से तुम उनको रिकोगनाइज कर सकते हो वी कैन रिकोगनाइज बेट एनिमल्स लाइक डॉग कैट काओ बफलो गोट एक्सेट्रा बाई देअर स्मेल नेम द एनिमल्स स्टैचू वुड बी एबल टू recognize ओनली by their स्मेल विदाउट the seeing them. अब हमें पता लग जाता है हमें कुछ एनिमल्स के स्मेल से ही पता लग जाता है कि ये कौन सा एनिमल है अगर बेशक से हमने उनको देखा ही ना तो इस क्वेश्चन में ये पूछने है कि हमने ऐसे एनिमल्स बताने हैं कि जिनकी हम स्मेल से ही पता कर लेते हैं स्मेल से ही रिकोगनाइज़ कर लेते हैं कि एनिमल कौन सा है कि हमने देखना भी नहीं है उसको विदाउट सीइंग देम हम पता लगा लेते हैं वी कैन रिकोगनाइज़ पेट एनिमल्स हम पेट एनिमल्स को रिकोगनाइज कर लेते हैं लाइक डॉग कैट काओ बफलो गोट एक्सेट्रा बाइटर स्मेल तो जो डॉग है हम उसकी स्मेल से हम उसको ईजिली रिकोगनाइज़ कर सकते हैं ये डॉग है कैट को हम रिकोगनाइज कर सकते हैं काओ को रिकोगनाइज़ कर सकते हैं ऐसे ही बाफलो और कॉट को तो इन पेट एनिमल्स को हम उनकी स्मेल से रिकोगनाइज कर सकते हैं कि ये कौन से एनिमल्स हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड फाइव थिंग्स हु स्मेल यू डोंट लाइक अब ऐसे हमने नेम बताने हैं राइट द नेम्स ऑफ फाइव थिंग्स हमने पांच चीज़ों के नाम बताने हैं कि जिनकी स्मेल हमार को अच्छी लगती है और ऐसी पांच चीज़ें जिनकी स्मेल हमार को अच्छी नहीं लगती सो आई लाइक द स्मेल ऑफ फूड परफ्यूम फ्लावर कॉस्मेटिक आइटम्स इंसेंसटिक तो हम फूड की स्मेल को पसंद करना अच्छा लगता है हमें परफ्यूम की स्मेल हमें अच्छी लगती है फ़्लावर्स की स्मेल अच्छी लगती है कॉस्मेटिक की और इंसेंसटिक एंड आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ फिल्थ डेथ एंड डिकेइंग थिंग ड्रेन्स कटर बैड स्मेलिंग एमिकल्स बेसिकली जो आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ है उसमें सारे हमारे पास बैड स्मेल्स वाले थिंग्स हैं लाइक कटर ड्रेन फिल्थ और डेथ एंड डिकंग थिंग होती हैं जो सड़ी हुई चीज़ें होती है बेसिकली इसमें ये चीज़ें हैं और उसमें है जिनकी खुशबू अच्छी होती है तो हमने कुछ ऐसे फाइव थिंग्स के नेम लिखने हैं कि जो आपको जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती हो और जिनकी स्मेल आपको ना अच्छी लगती हो ये तो हम खुद भी कर सकते हो कि जिन जिनकी आपको जो स्मेल अच्छी लगती है आप उनका टेबल बना दो और जिनकी आपको स्मेल नहीं अच्छी लगती है, उनका अ, अलग से साइड पे टेबल बना दो तो ये क्वेश्चन आपका खुद का करने वाला है सो so बेसिकली अभी तक हमने फिफ्टीन क्वेश्चन फिफ्टीन क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किए हैं तो पहले हम इस फिफ्टीन क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे रिवाइज़ करेंगे कि ये फ़िफ्टीन क्वेश्चन हैं क्या फिर हम नेक्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तो पहले आप लोग इतने फिफ्टीन क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आज के लिए इतना ही दैट्स फॉर द टूडेज़ क्लास इफ़ यू लाइक आर वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल Thank you and have a nice day.